जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं पहली दफा आपसे अपील कर रहा हूं कि रियासत और सियासत को गंदा और परगंदा किया जा रहा है और मेरी जिंदगी को ख़त्म करने के लिए तीन आदमियों को एंगेज किया जा रहा है। मैं मौत और हयात की इस कश्मकश में आपको बताना चाहता हूं कि मैं अल कादरा ट्रस्ट के एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था और मेरी शहजाद अकबर से कभी नहीं बनी, उसके किसी एजेंडे में मैं नहीं बैठा। अगर बैठा होता तो मैं ज़रूर नैब में कल शहादत देता, लेकिन झूठी गवाही देने से मैं मौत को तरजीह दूंगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब चीफ जस्टिस साहब, 30,000 रुपए के मुलाजमीन को उठा के नामालूम जगहों पर ले जाया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। मेरी माँ को मरे 30 साल हो गए हैं, उसके घर को भी तोड़ फोड़ दिया है। रात 70-80 लोग रेंजर सफ़ेद कपड़ों में और पुलिस, जिस SHO को रात ही लगाया गया है कि उसने F7 के घर में न सिर्फ तोड़ फोड़ की बल्कि गाड़ियां भी ले गए और सामान भी ले गए। अब बताएं, इस मुल्क में अगर आईन और कानून की हुकूमत नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान में एक आम शहरी किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा। मैं 16 दफ़ा वजीर रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब, और खाना काबा की छत पर मैं नमाज पढ़ने वाले 6 मुसलमानों में शामिल हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धरती पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, आप इसका नोटिस लें। और मैं कभी किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं था। अगर 16 वजारतों में 1 इंच 1 पैसे की भी कोई करप्शन हो तो मैं पेश होने को तैयार हूँ। और मैं मुल्क से बाहर था, 8 की रात को मैं वापस आया। लेकिन जिस तरह ज़िंदगी हराम की जा रही है, जिस तरह जीना मुश्किल किया जा रहा है, इस पर आपको नोटिस लेना होगा। अल्लाह के बाद आप आखिरी इस कौम की उम्मीद हैं। लोग आसमान के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। अगर आपने भी आइनी और कानूनी फैसले न किए तो ये मुल्क कहत साली, महंगाई, बेरोज़गारी, इकतसादी तबाही में आम आदमी खुदकशी करेगा, खाना जंगी होगी और उस मुल्क की तबाही और बर्बादी होगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका नोटिस लें।